Hello friends, welcome back. I am from Kalyan Academy, Kolkata. Today, I will gonna tell you about the SSC GB Constable Strategy. We all know that SSC has recently released their notifications on SSC GB Constables. अब SSC GB का Constable का जो post है, इसमें recruitment होता है DSF, CISF, Rifleman, ये सारे posts. अब SSC GD का जो वैकेंसीज है ये इस साल बहुत ज्यादा है, लगभग 55,000 के आसपास. तो एक बहुत ही बड़ा रिक्रूटमेंट होने जा रहा है, तो उसके लिए तैयारी भी वैसे होना चाहिए. इसीलिए हम दे रहे हैं आपको SSC GD का स्ट्रेटेजी. अभी भी SSC GD का फॉर्म फिलअप चल रहा है, लास्ट डेट है 17 सितंबर. याद रखिए और फॉर्म फिलअप करिए जिसको करना है. 17 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर फॉर्म फिलअप. एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर SSC GD इज क्लास 10 पास. सो रिमेंबर दैट एंड इफ यू वांट प्लीज फिल अप द फॉर्म फ्रॉम SSC वेबसाइट. नाउ आई एम गोना डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर SSC GB एग्जाम. उसके पहले एक और चीज बता देते हैं कि ये जो एग्जाम होगा वो एग्जाम का डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, वो बाद में अनाउंस करेगा. अभी तक SSC ने डिसाइड नहीं किया है, तो टाइम अभी है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए तो आपका SSC GB अच्छा जाएगा. अब देखते हैं ये जो एग्जाम होगा, एग्जाम का क्या क्या पार्ट होगा या रिक्रूटमेंट का क्या क्या पार्ट होगा. पहला पार्ट है रिटन एग्जामिनेशन. दूसरा पार्ट है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और तीसरा पार्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. ये तीन पार्ट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा. अब एक एक पार्ट के डिटेल में आते हैं. पहला पार्ट है रिटन एग्जाम. ये जो रिटन एग्जाम होगा, ये रिटन एग्जाम चार सेक्शन में होगा. पहला जो सेक्शन होगा वो होगा मैथ्स, मैथ्स से क्वेश्चन रहेगा. दूसरा है रीजनिंग, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा. तीसरा इंग्लिश और हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे वहां से क्वेश्चन आएगा. और चौथा जीके और जनरल अवेयरनेस. ये चार सेक्शन रहेगा रिटन एग्जाम के अंदर. हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आएगा, 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड 1 मार्क ईच. So 25 marks from each section and total 100 marks. And there is negative marking also, so be careful. Negative marking is 0.25 marks per question. तो अब आते हैं कैसा आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए. देखिए मैथ्स, रीजनिंग, जीके, ये एसएससी स्टैंडर्ड में जैसा क्वेश्चन आता है वैसा ही होता है. क्या क्या होता है, कितना कट ऑफ रहेगा, उसको डिटेल में समझाते हैं. मैथ्स के अंदर जैसा बेसिक मैथ्स रहता है हर एक एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वही सब रहेगा. जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, मेजरमेंट या मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब रहेगा. और इसका क्वेश्चन लेवल भी उतना हार्ड नहीं होगा. अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां से आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगा. ये हर एक एग्जाम में यही टॉपिक रहते हैं. और हम लोग कल्याण अकादमी में नया मॉडल पेपर भी बनाया है इसके लिए, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं मॉडल पेपर. तो वहां से भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे जो टॉपिक है मैथ्स के अंदर वो कवर हो जाएगा. डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट रहता है, ना बहुत हार्ड ना बहुत ईजी. तो अगर आपका ये सारे जो
टॉपिक्स है जो हर एक एग्जाम में आते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप प्रैक्टिस किए हैं अच्छा, तो ये आप आसानी से कर लेंगे। दूसरा आते हैं रीजनिंग सेक्शन, ठीक है। रीजनिंग सेक्शन में क्या आता है, रीजनिंग सेक्शन में आता है आपका वही सेम जो हर एक एग्जाम्स में आता है, एरिथमेटिक रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंसेस, ये सब आता है, सीरीज, ये सब आता है। जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, और यहाँ भी सेम है, वही सेम टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा। और जीके में कुछ टॉपिक्स है जो हम बता रहे हैं, उस टॉपिक को तैयार करिए। एक तो है जो स्पोर्ट्स का जो अवार्ड होता है उसमें, उसके ऊपर करिए, जैसे अर्जुना अवार्ड हो गया, खेल रत्न अवार्ड हो गया, वो किसको मिलता है, किसका मिला है, ये सब तैयार करिए अच्छे से। नेशनल इन्वेंशन अगर कुछ किया है अगर साइंस के ऊपर, तो वो सब में तैयारी करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट डेट्स, जियोग्राफी, कल्चर, इंडिया का जो कल्चर है उसके ऊपर आता है, हिस्ट्री से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे हर एक SSC एग्जाम में ये सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग बताए थे SSC CGL के बारे में, वहाँ पे भी जो टॉपिक्स रहता है GK का या रीजनिंग का या मैथ्स का, यहाँ भी सेम है, सेम ही टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन किया जाता है। अब इंग्लिश और हिंदी जो आप चूज करेंगे उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, उसी के ऊपर आएगा, जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये सब आएगा। तो होप इट्स क्लियर कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा। अब देखिए यहाँ का एक और अच्छा फायदा है, यहाँ पे ना कोई इंडिविजुअल या सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, अगर ओवरऑल मार्क्स आपका अच्छा आ जाएगा तो आप निकाल सकते हो ये एग्जाम। और रिटन एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिटन एग्जाम अगर नहीं निकलेगा तो आगे का जो पार्ट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो वो सब के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो इसको अच्छे से निकालिए। और अब देखते हैं कट ऑफ के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से कितना मार्क्स आपको लाना चाहिए 100 में। तो आइए देखते हैं, ये जो SSC GD का जो एग्जाम हुआ था लास्ट बार, आपको बता दें वो हुआ था 3 साल पहले 2015 में, 2015 में इसका कटऑफ था। स्टेट वाइज अगर बताएंगे, सबसे ज्यादा मार्क्स जिस स्टेट से आया था वो था हरियाणा, हरियाणा में सबसे ज्यादा कटऑफ आया था, और वो था 80 out of 100। लेकिन हमारा वेस्ट बंगाल का बात करें, वेस्ट बंगाल उस साल में था 53 फॉर मेल कैंडिडेट, एंड आई थिंक 45 फॉर फीमेल कैंडिडेट। सो इस बार अगर ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग कटऑफ रहता है, हरियाणा का सबसे ज्यादा था, वेस्ट बंगाल था 53 में। इस साल मतलब 2018 में जो कटऑफ हुआ वो मान लीजिए आसपास, इसके साथ और 5 to 10 ऐड कर लीजिए। तो टारगेट रखिए 60 to 65, ऐसा मेल कैंडिडेट के लिए 60 to 65 का टारगेट रहेगा, ये आपको लाना है। तो कैसा होना चाहिए टारगेट, हम तो बोलेंगे मैथ्स, रीजनिंग और GK आपका अच्छा कर लीजिए, या इंग्लिश भी कर सकते हैं। हाँ, मैथ्स रीजनिंग करने का एक फायदा भी है, क्योंकि मैथ्स जो बाकी का जो SSC CGL या जो भी एग्जाम्स है उसमें आपको बहुत फायदा देने वाला है, क्योंकि मैथ्स SSC CGL का पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करिए पहला बार, इसमें जितना हो सके 25 के अंदर उतना करिए, वहां से आपका मार्क्स बहुत आ जाएगा। और इंग्लिश में फोकस करिए, जैसे लास्ट डे मैंने बताया था SSC CGL वाला वीडियोस में कि इंग्लिश अगर आपने एक बार कर लिया तो वो टायर 1 में भी होगा, टायर 2 में भी होगा। तो आप अगर SSC CGL का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ ये एग्जाम भी दे रहे हैं, तो इंग्लिश को अच्छे करिए, दोनों एग्जाम में फायदा होगा, और मैथ्स को अच्छा करिए, जितना हो सके ये 2 सेक्शन में नंबर लेंगे, और ये उतना डिफिकल्ट भी नहीं रहता, यहाँ से भी थोड़ा बहुत नंबर तो आ ही जाएगा,
तो मैथ्स में आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम 25 में 25 हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोशिश करिएगा 20 मार्क्स करने का। अब यहाँ से अगर 20 हो गया और इंग्लिश में अगर आप 20 तक कर लेते हैं तो 40 सही पे होंगे। बाकी रीजनिंग और जीके में अगर आपको कुछ उतना भी नहीं पता है फिर भी अब तो अगर 10-10 करेंगे तो भी हो जाएगा आपका 60 के आसपास। अब अगर यहाँ पे अगर आपने 15 कर लिए तो वो तो 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कन्फर्म। तो ये दो जो जोन है मैथ्स एंड इंग्लिश उसको स्ट्रॉन्ग करिए, रीजनिंग भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, जीके एक बार देख के जाइए जितना हो सके करिए, लेकिन जीके में उतना फोकस देने का जरूरत नहीं है, ये दो सेक्शन को स्ट्रॉन्ग। तो इसके बाद जब 65 या जो भी कट ऑफ रहेगा वो अगर क्लियर हो जाएगा उसके बाद आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसमें आप लोगों को पता है जो लोग फॉर्म भर रहे हैं वहां पे नोटिफिकेशन एसएससी की वेबसाइट में दिया हुआ है कि हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए और जो इसका फिजिकल स्पेसिफिक टेस्ट है उसमें आपको दौड़ना है, रेस है, एक जो रेस मेल कैंडिडेट के लिए लगभग 5 किलोमीटर in 24 मिनट्स है। तो ये सब आपको वो वेबसाइट से मिल जाएगा, उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि रिटन एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगा। जैसे रिटन एग्जाम खत्म हो जाएगा हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इसको प्रैक्टिस करिए देखिए, और ये जो वीडियो है इस वीडियो को आप लाइक करिए और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा टॉपिक के ऊपर हम लोगों को दूसरा वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच, होप इट विल हेल्प यू।